बताओ हमारे लाइफ के हिसाब से क्या सोचते हो, क्या करना है जिंदगी में? अबे देखो लाइफ में कुछ नहीं करना बस, इधर देखो यार इसकी थोपड़े में देखो, लाइफ में कुछ नहीं करना बस पैसे कमाना है, टैटू मारना है। लाइफ में कुछ नहीं करना है, पैसे कमाना है, टैटू लगाना है। वैसे कहीं किताब में नहीं लिखा है कि रिस्क लेना जरूरी जरूरी है? छोड़ो, पहले बात करते हैं कि रिस्क है क्या। अकॉर्डिंग टू गूगल, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, अर्थात रिस्क किसी भी चीज के बुरे होने की संभावना होती है। और बहुत हद तक ये ठीक लिखा है गूगल ने, लेकिन यार थोड़ी फीलिंग्स डालते हैं, ऐसे थोड़ा काम चलेगा। दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है पैसा, तुम मानो या ना मानो, जिस पे पैसा उसकी दुनिया। अगेन, मानो या ना मानो, पैसे में बहुत पावर है। लेकिन पैसे से भी पावरफुल एक चीज़ है जिसका नाम है टाइम, अल्टीमेट एवेंजर। इसको कोई नहीं हरा सकता। तुम पे कितना भी पैसा हो, शौहरत हो, दौलत हो, तुम टाइम नहीं खरीद सकते। कितने भी अमीर हो जाओ, बचपन नहीं खरीद सकते, है ना? तो इसी लॉजिक को मैं अपनी उम्र पर लगाऊँ और तुम अपनी उम्र पर लगाओ तो जवाब आता है डू इट नाउ, अभी कर। अब थोड़ा सोचना, तुम अभी 21 साल के हो, खून गर्म है, ताकतफुल है, माइंड हद से ज्यादा चलता है इन रॉन्ग डायरेक्शन। तो एट दी एंड तुम पे मैक्लारेन है फुल टंकी के साथ, अगर ट्रैक्शन ऑफ किया तो फिसल जाएगी। मतलब अभी जो ताकत, दिमाग, शरीर तुम पे है वो तुम्हारी एंटायर लाइफ में कभी नहीं आने वाला, क्योंकि एवरीथिंग डिग्रेड्स विद द टाइम। मतलब अभी जो ताकत है ना 18, 20, 22, 30, ये दोबारा नहीं मिलने की। इसमें जो बना दिया बना दिया। एक 40 साल के जॉब करने वाले आदमी को नींद से प्यारा कुछ होगा? वो कभी सोचेगा यार मैं अपनी जॉब छोड़ता हूँ, स्टार्टअप खड़ा करता हूँ? नहीं। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। ए बेटे इंग्लिश, हाँ चल अब निकल। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं हूं पीयूष भाई, ये साइड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाल कलर के घंटे को दबाना ना भूलिए। तो ये क्लियर हो गया कि ताकत का फायदा भी उठाना है ना? तो फिर एक और सवाल आता है कि भाई रिस्क क्या लें? इसका कोई पर्टिकुलर जवाब नहीं है यार, हर किसी का रास्ता अलग होता है। लेकिन मैंने जितना कंक्लूजन निकाला है बड़े लोगों को ऑब्जर्व करके, जो भी तुम्हारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से बाहर है और जिसकी कोई गारंटी नहीं है, उल्टा चांसेस है कि फेल होंगे, वही है तुम्हारा रिस्क। आसान भाषा में बताऊं तो अगर तुम्हें सिंगिंग या रैपिंग करनी है और घर वाले कहते हैं नहीं करेगा तू, तो तुम्हें तब भी वो करनी चाहिए, पर शर्त यह है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें झुकाए उस काम के बाद एक्स्ट्रा टाइम। एग्जाम्पल लेते हैं, अब अगर तुम्हारे पिताजी बोलते कि तू इंजीनियरिंग करेगा और तुम्हें इंजीनियरिंग से ज़्यादा सिंगिंग या रैपिंग पसंद है, मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, तो जितना मैंने नोटिस किया ना यार, जितने भी हटके काम हुए ना, साला इनकी डिग्री ही नहीं है। मतलब तुम्हें कोई पर्टिकुलर इनके लिए पढ़ाई नहीं करनी है। अब तुम्हारी नेहा कक्कड़ देख लो, जागरण में सीखी सिंगिंग, इलॉन मस्क किताबों से सीखी सारी एरोनॉटिक्स, नो डेडिकेटेड डिग्री, धीरूभाई अंबानी नो क्वालिफाइड नॉलेज ऑफ बिजनेस, स्टिल ही मेड इट। कैसे? मतलब तुम जो भी अलग करना चाहते हो, आई एम डैम श्योर उसकी कोई डिग्री नहीं होगी, अनटिल एंड अनलेस बहुत टेक्निकल चीज़ें लाइक एनिमेशन, उसके लिए डिग्री लगती है। लेकिन सच बताऊं, वो भी यूट्यूब से सीख सकते हो। तो यही जो एक्स्ट्रा चीज़ तुम्हें पसंद है, इसको नाम दे रखा है आजकल पैशन, तो मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। तो अब इस पैशन की कोई डेडिकेटेड डिग्री नहीं है, तो तुम इसे डाल सकते हो साइड हसल पे। मतलब तुम मेन काम अपना, जो भी पढ़ाई वढ़ाई वढ़ाई वो करोगे, 10-1-2 घंटे इसके लिए निकाल दोगे। कई बार साइड हसल इतना बड़ा हो जाता है कि शायद जो तुम प्राइमरी चीज़ कर रहे थे वो उसको भी ओवरकम कर दे, समझ रहे हो ना? इलॉन इंजीनियर है, 15,000 की नौकरी कर रहा होता, लेकिन बिलियनर है। मतलब अगर बाप ने कहा तुम इंजीनियरिंग करोगे और तुम्हें इंजीनियरिंग एवरेज आती होगी, मतलब लगता है हाँ पास कर दूंगा, तो गो फॉर इंजीनियरिंग, क्योंकि तुम उनका भी मन रख लोगे और तुम्हें लगता है एवरेज में निकाल भी लूंगा, तो हर चीज़ बैलेंस रहेगी और साइड में तुम्हारी 1-2 घंटे साइड हसल चलती रहेगी। अगेन, अगर तुम्हें लगता है तुम कर लोगे वो डिग्री, तो नहीं तो इधर के भी नहीं रहोगे, उधर के भी नहीं। अब आता है एक अल्टीमेट सवाल कि भाई
अगर हम फेल हो गए तो? बे यार, अब अगर तुम फेल हो गए तो अपने दिल को तसल्ली देना कि पीयूष तूने कोशिश करी, जान लगाई, नहीं हो पाया, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपना 100% दिया, दैट्स इट। होता है, सब बिजनेस कर लेंगे तो जॉब कौन करेगा। और ट्रस्ट मी यार, एक बार रोड पे चल के तो देखो, पता नहीं कैसे रास्ता बन जाएगा, बस मुझे इतना पता है। सब्सक्राइब मत करना, मुझे पता है कंटेंट उस लेवल का नहीं है जो तुम देखते हो, पर लाइक और कमेंट इन दो चीज़ों से मुझे ये बता देना कि वीडियो ठीक था या नहीं। थैंक यू। बाय द वे, आज के रेट में एक फ्रेशर 15,000 रुपये कमा रहा है इंजीनियरिंग में, तो एवरेज तो मत ही रहना। शूट फॉर द स्टार्स, देन यू गोना एंड अप इन द स्काई। साहिल कुछ बताओ अपने बारे में। अरे बताओ यार, 10 साल बाद जब वीडियो देखे तो अच्छा लगना चाहिए ना। क्या बताऊँ यार, ये पैंटी जैसा तुमने मास्क पहन रखा है। अरे बताओ सर, पैंटी तो तुम खुद है पैंटी। अच्छा यार, ये लोग बाइक में जा रहे हैं, हम पैदल जा रहे हैं। ना, ना।